टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ईद मुबारक। वाह भाई वाह, क्या बात है हारून, जबरदस्त भाई। एक दफा दोबारा बजाए, मैं चाह रहा हूँ मैं भी थोड़ा सा इसके साथ डांस करूँ। करें भाई, लगाए। बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा। जो लोग इस पर ट्यून इन कर चुके हैं, द मजेदार ईद विद आदियन फैजान, और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे। आदि अदील अमजद, रमजान कैसा रहा आपका? रमजान बिल्कुल अच्छा रहा। इस बार रमजान में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें की, जैसे कि रोजा रखा। ये रूटीन बात है। हाँ, क्योंकि अक्सर आप हो गए ना, मॉडर्न लोग कहते हैं कि आई एम नॉट फास्टिंग यार। अच्छा, हाँ, इससे जरा कूल हो जाते हैं आप लोग। नहीं नहीं, आपने तो रोजे रखे। मैंने पूरे रोजे रखे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो बैंड है इन्होंने भी गुटखा छोड़ा होगा रमजान में। हाँ जी, हमारा बैंड हमारे साथ मौजूद है, द कराची बॉयज, अपने लिए बहुत सारी तालियां खुद बजाएंगे। वेल डन। आज वो आंटी आई है, आंटी आई है,
आज नहीं आई, आज आंटी नहीं है, आंटी रमजान में जोश तो आदि भाई मुझे बताइए कि रमजान कैसा रहा, आपने मुझे बताया, ईद कैसी जा रही है आप? यार ईद बहुत अच्छी जा रही है, बस यही हो रहा था कि पूरे रमजान इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से ईद आए और हम लोगों में खुशियां बांटे, क्योंकि हमने ये देखा हम तो घर पे बैठे हुए थे रमजान में, मैं काम नहीं करता तो बस मैं इंतजार में था कि जल्दी से ईद आए और हम बाहर निकले। आप बताएं आपने क्या किया? यार मैंने भी ऐसे ही आपकी तरह रोजे रखे। अच्छा, और बहुत इंजॉय किया रमजान को, याद रखिए बेहद गर्मी थी जी। गर्मी में थोड़ा सा मसाइल होते हैं लोगों को, लेकिन मैं काम भी कर रहा था साथ साथ, लेकिन रोजे भरपूर पूरे रखे अल्हम्दुलिल्लाह और इंजॉय किया रमजान को। रमजान भी लुक फॉरवर्ड टू रमजान बिकॉज हमारे यहाँ बड़ा रमजान को एंजॉय किया जाता है, आप बहुत अच्छे तरीके से। बिल्कुल, रमजान में जो है फैजान का जो घर है वो सबके लिए घर बन जाता है, जिस तरह मैं हूँ हम लोग रोज अफ्तारी वहीं करते हैं बगैर बुलाए, अक्सर इसका मुंह भी बन जाता है कि रोज आ जाते हैं लेकिन हम फिर भी करते हैं, अच्छी बात। जब ये तीसरे चौथे दिन समझ जाता है कि मुझे बुरा लग रहा है तो फिर ये सामान लाना शुरू कर देता है। ये पता कौन सा वाला दिन होता है, जब मैं फैजान को घर पे और उसका रिप्लाई नहीं आता ना तो मैं समझ जाता हूँ कि आपने जाना। आदि भाई आपने जिम शुरू किया था रमजान से पहले? बिल्कुल ऐसी है, आप रमजान में भी जिम जाते रहे, मैं इस बात का गवाह हूँ। बिल्कुल ऐसी तो है। कैसी रही वो रिजीम आप? यार मैंने कोई एक साल बाद वापस वजन कम करना शुरू किया है। वेरी गुड, एक साल तक मैंने छोड़ा होता तो बहुत मजा आ रहा है, छुट्टी नहीं कर रहा मैं, ठीक है, और दुआ करता हूँ छुट्टी ना करूँ मैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने सुना है कि जब पतले हो जाते काम मिलता है, पिछली बार हुआ था तो जितना था वो भी छिन गया था तो अब हम इसे ट्राई करने लगा। अच्छा मेरे ख्याल से दूसरा रमजान था जिसमें पैंडेमिक मौजूद है अभी भी, और हमारे नंबर्स अच्छे खासे चले गए थे लेकिन फिर नंबर्स बढ़ गए हैं लोगों की लापरवाही की वजह से। लेकिन रमजान में मैंने नोट किया कि काफी लोग दोबारा से सीरियस हुए चीजों को लेकर, लोग ख्याल कर रहे हैं, अपने मास्क पहन रहे हैं, लोग डिस्टेंस भी रख रहे हैं। आप अगर बाजार जाना हुआ आपका तो कुछ देखा आपने कुछ ऐसा हो रहा हो? नहीं बाजार में, यार मुझे तो बाजार में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। अच्छा। वो अच्छी बात है कि जो दुकान वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अगर आपने मास्क नहीं पहना हम नहीं घुसने देंगे आपको। अरे वेरी नाइस, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अजीब ये लग रहा है कि ये जो यहाँ रख के होता है ना, जिस तरह हम लोग हेलमेट टैंकी भी रखते हैं चलान नहीं कटता, तो उस तरह अगर आपने मास्क यहाँ लगाया हो तो वो सही है। हाँ। तो उस चीज से मैं थोड़ा डिस्टर्ब होता, लेकिन बाकी बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे, अच्छी बात, बहुत सारे लोग फॉलो, लोगों को वो भी लग रही है ना। क्या लग रही है? क्या हो रही है वो जो आती है क्या वैक्सीन भी तो लग रही है। हाँ, और वैक्सीन को लेके भी लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं अभी। हाँ, मैंने एक बंदे को देखा, कह रहा पानी लगा रहे हैं, पानी पानी लगा रहे हैं, पानी लगा रहे तो फिर अच्छा एक और मजी बात हो, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अच्छा। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जो कूल लोग हैं ना उनको बताओगे इसके बारे में। oh. तो वो कोई अच्छी खासी महंगी वैक्सीन बेच रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के भी पैसे ले रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, तो अल्लाह उन पे जना नसीब करे। तो यार ये हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि जब कोई चीज आ जाती है तो फॉरेन बिजनेस बन जाता है, गाड़ियाँ खरीदो महंगी महंगी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि ईद पर आपकी ईद कैसी होती है, आप कहाँ जाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं? हमने जानबूझ के शो रात में रखा था ताकि आप आ सकें। बिल्कुल, सुबह तो आप मसरूफ होते हैं। बस मेरे लिए ईद ऐसी होती है कि मैं सुबह उठता हूँ, कपड़े पहन लेता हूँ, जाके खाना खिला दिया किसी को और बस शाम में आपकी तरफ आ गए, आप लोगों ने मुझे जलील किया, शर्मिंदा किया, फिर घर चले गए। नहीं, इस दफा मैंने आपको उस चीज से बचाया, देखिए मैंने रात का शो रखवाया है ताकि आप यहाँ आ जाएं और आपको कुछ जलील ना करे। चलें, अल्लाह करे ऐसी। ठीक है जी, आज हमारे पास बड़े जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, बहुत अच्छा लाइनअप है जी। हमारे पास कुछ सिंगर्स भी हैं जो हमारे अपने ही शो से हमें मिले हैं। अच्छा, और गेस्ट हमने हर जगह से बुलाए हैं, तो ये ईद लाउंज हमारा चलता रहेगा जी। हम जा रहे हैं पहले ब्रेक पर, ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते कहीं मच जाएगा। आप देख रहे हैं मजेदार ईद विद आर्यन फैजान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप लोग देख रहे थे मजेदार ईद विद आदि एंड फैजान। और फैजान साहब अच्छा लगा मुझे। हाँ। फैजान साहब ये बताइए कि वो मेहमान कहाँ हैं? बहुत सारे सर मेहमान आ गए हैं, अब हम बुलाने लगे, जल्दी से बुलाइए। हैं बिल्कुल तैयार। अच्छा जी, आज के जो हमारे पहले दो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक लाहौर से है, बहुत जबरदस्त एक्टर हैं, उसके साथ साथ वो एक्टिंग कोच भी हैं, लिखते भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, बहुत ही बारीक काम करते हैं। हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, उसका भी हिस्सा है, उसके बाद उनको बेहद पसंद किया जा रहा है। मैं चाहता हूं उनको बुलाएं, वो अपनी मिसेस के साथ यहां मौजूद हैं। बहुत सारी तालियां जो आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर उमेर राणा एंड मायरा उमेर। सर ईद मुबारक। सर आइए, मैम ईद मुबारक आपको भी। ईद मुबारक आपको भी। और अब जो हमारे गेस्ट हैं, हाँ, वो हमारे हैं, क्यों ही क्यों नहीं आ रही हुई? यार तुम सबर तो करो। मैं तो ही के चक्कर में, सबर का फल मीठा है। नहीं ना, यही कहा सबर कर करके 32 साल का हो गया हूँ मैं। तो आप चाहे पहले उनको बुला ले, मेरे यहाँ फल ही नहीं निकल रहा, पौधे निकल रहे। तो मैं भाई आदि भाई की फरमाइश पे इनको बुलाता हूँ। बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ही कम टाइम में अपने आप को मनवा लेते हैं, ये उनमें से एक हैं। बहुत जबरदस्त काम करती हैं, उसके साथ साथ लिखती भी बहुत अच्छी हैं। इन्होंने एक जबरदस्त फिल्म की है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। आपकी बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर अमर खान।
आइए, तशरीफ रखिए। आपको खास तौर पे पर्ची लगवा के बुलवाया इस इंसान ने मुझे, और अगर मेरे बस में होता मैं आपको 3-4 बार बुलाता। बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, इतनी सारी गाड़ियां जो एक साथ आपके ऊपर हैं, वो बहुत जबरदस्त। ये ट्रांसफार्मर है बेसिकली। दुआ करिए गाड़ियों के अलावा भी और चीज हमारे ऊपर हो, जैसे ब्लेसिंग ब्लेसिंग बड़ों की दुआएं। जी जी, बड़ों की दुआएं बिल्कुल बहुत जरूरी होती है ईद पर। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको और अब जो हमारे आने वाले दोस्त हैं, वो ऊपर से आएगा। क्यों? वो अपने अपना एक अक्षय कुमार है ना उसके अंदर। क्यों? वो यहाँ कहीं से निकलेगा देखना, वो सीधा नहीं आएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, फजूल बातें मेरे दोस्त के बारे में। मैं जानता हूँ उसको, वो सीधा नहीं आएगा। वो नहीं आएगा। अगर वो सीधा आया तो मैं ये शो छोड़ के चले आऊँ। अच्छा ठीक है, वो सीधा ना भी आए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने जो मिसाल दी है ना वो बिल्कुल सही थी। वो उनसे बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, वो सब कुछ कर सकते हैं जो उन्होंने किया। उससे ज्यादा पता क्यों? जी मुझे भी नहीं पता। अच्छा, बहुत सारी तालियां मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही अच्छे एक्टर, सिंगर, मॉडल, पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं भाई, और बकौल आदि के हमारे अक्षय कुमार से भी ऊपर है इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी तालियां फॉर मोहसिन अब्बास। माशाल्लाह मोहसिन भाई का बजट ज्यादा, इसके बाद और लेने पड़ेंगे। सर ईद मुबारक जी आप सब लोगों को, फिर ईद मुबारक। बैठिए बैठिए बैठिए, कैसे चल रहे हैं जी, क्या सूरत हाल है ईद की? सूरत हाल तो अभी मोहसिन के साथ, तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा बजट मैं भी थोड़ा सा बाहर हूं। मैं लड़का लाया हूं उठाने वाला, लिफाफे छुपा के रखे थे हमने। सर कैसी रही आपकी ईद, कैसी चल रही है? यार अल्हम्दुलिल्लाह जैसे चलती है उससे भी बेहतर है माशाल्लाह, क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हम लोग कोविड की वजह से जरा चुप चुप थे। जी बिल्कुल, अब जरा हम ढीट हो गए। हाँ, अब थोड़ा यूज्ड टू भी हो गए हैं, पता भी चल गया क्या करना है, किस तरह से चलना है। टीके लगवा रहे हैं और टीके लगवा रहे। शुरू में आदि भाई ने बताया कि एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है यहाँ पे जो कि पानी लगा रहा है। हाँ वो भी लगवाया एहतियात, मैंने कहा चलो थोड़ी डिहाइड्रेशन ना हो जाए, पानी भी लगवा लो। पानी की भी जरूरत होती है, गलत नहीं है कुछ। आप लोग बताएं ईद कैसी चल रही है? मोहसिन आप तो ने तो मतलब दिखा दिया, मैं आप भरपूर आपकी ईद तो कहाँ कहाँ से निकली हमने देखा है यहाँ से। हाँ वो है, थोड़े मसाइल हैं मेरे वाले, लेकिन बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गुड। मैंने सुना रिसेंटली आप यहाँ मूव हो गए। मैं कराची मूव हो गया। मैं असल में इस बेवकूफी की वजह मैं यहाँ मूव नहीं हुआ, मैं अपने घर वापस आ गया हूँ समझ लीजिए। मैं आई वाज 19 ना पहले, जब मैं जब यहीं रह गया था। ठीक है, तो वो 10 साल बाद फिर मैं एक शो करने के लिए लाहौर चला गया था। सही है, फिर वहाँ कराची है। क्या हो गया? प्यार हो गया वहाँ? नहीं नहीं नहीं, फिर किस चक्कर में रुके हो? मेरे हालात भी बिल्कुल कुछ ऐसे हैं, मैं भी लाहौर से हूँ, लेकिन पिछले 3-3.5 साल से आई शिफ्टेड टू कराची। और जबनटू ही एक, मैंने बाद में रियलाइज किया कि माशाल्लाह पूरा पंजाब हमने जो है ना जबरदस्त, और फिर हमारे जो जबरदस्त म्यूजिशियन थे उन्होंने बजाया भी भंगड़ा ही है। और इसमें मैं कराची का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हम सबको समो लेता है। हालांकि आयाज समो भी लेता है, लेकिन हमें ये कराची भी समो लेता है। आप लोग इसको इन चीजों के पैसे देते हैं? अरे इसे ले रहे हूं। मैं मिसाल हूं। इसे लेते हैं भाई, मैं मिसाल हूं कम आईक्यू लेवल की। हाँ इससे हम लेते हैं। मैम आप मुझे बताएं ईद कैसी होती है घर पे? आप आई एम श्योर के घर पे आपको सब कुछ टेक केयर करना होगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था बर्तन धुलते हैं, सब कुछ गाइड कर रही थी। तो कैसे सब मैनेज होता है ईद पे? ईद पे बस बर्तन धोते हैं सारा दिन। आपके पसीने छूट रहे हैं, ये तो ठंडा है। असल में आपके पास पड़ा है ना, आप मोल ले। हम जरा दूर है, हम जरा दूर है। ठीक है, हाँ जी यूजुअल ईद बताएं मोहसिन कैसी होती है आपकी? मेरी बच्चों के साथ ये जो भी भांजे भांजी हैं उनके साथ गुजरती है, उनके लिए तैयार होते हैं है। और उन्हीं के लिए एक्साइटमेंट होती है। अब हमें तो मिलने से रहे, अब क्योंकि मैं मस्कारा लगा के तो मैंने काले करने पड़े हैं मुझे बात। कुछ लोगों का ये रुझान मैंने देखा है जो ईद वाले दिन सोते हैं। क्या आप सोते हैं? आप सोने चाहते थे? चाहते हैं लेकिन नहीं सो पाते। बिल्कुल नहीं सो पाते। किस वजह से? यार ये बर्तन धोने होते हैं इन्होंने, तो फिर कोई खाएगा तो बर्तन धोएगा ना। वाह वाह, खाना बर्तन गंदे करने वाला काम, वरना इनका रिस्क हलाल नहीं हो। माशाल्लाह घर में बड़ी स्ट्रगल है आपकी। एसी का वो मैंने ही इस तरफ करवाया।
नहीं नहीं जबरदस्त। अमर आप बताइए, मैं चंद लकी लोगों में से हूँ कि मैं सोखे गुजारती हूँ। क्या बात है, आपके बर्तन धो रहा है। नहीं, मैं घर में इकलौती बच्ची हूँ अपनी माँ की, तो मैं मुझे बहुत लाड और प्यार से जो है वो पाला गया है, तो मुझे सोना नसीब होता है। स्टेटमेंट से पहले मुझे बहुत अच्छी लगती थी, अब थोड़ा थोड़ा जरा डाउट हो गया, थोड़ी थोड़ी पोस्टी और नहीं। क्या इस सोने की वजह क्या है, बाय चॉइस है या मैं रात को मेहंदी लगवा रही होती हूँ देर रात, इस वजह से सो रही होती हूँ? नहीं, मुझे बचपन से ही मेहंदी चूड़ियां इनका कोई खास, मैं बहुत टॉम बॉयश किस्म का बच्चा रही हूँ, तो मुझे शौक नहीं था। लेकिन वैसे आई थिंक ईद पे एक्चुअली आप खा इतना लेते हैं कि खाने के बाद नींद ही आती है, लेकिन वो तो खाने के लिए उठना पड़ता है ना, चल रही होती है, खाओ वो जो हमारे जबान में कहते हैं कुकी चढ़ जाती है, कुकी चढ़ जाती है, डिफेंस में भी होता है ऐसे, चॉकलेट कुकियां चढ़ रही हैं लोगों छोटे मोटे भाई। मैं पिछली बार भी आया था, मैंने कहा था मुझे रख लो। हमने आपको दोबारा इसीलिए बुलाया कि आप देखें अभी भी है। देखिए मैं असल में इस शो पे इसलिए आता हूँ ताकि मैं ऑडिशन दे सकूं। नहीं नहीं अच्छी बात है जी। अच्छा मुझे आप लोग सब ये बात बताएं कि हम, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे, मेरे बचपन में कम से कम ये होता था कि जो भी ईदी मिलती थी वो माँ बाप रख लेते थे कि तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। हालात भी बुरे हो गए, काम भी बुरे हो गए, लेकिन वो पैसे कभी ना आए, रिकवर नहीं हुए, तो वो रिकवरी नहीं हो सकी। आप लोग के साथ क्या सीन? नहीं, हमारे माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दयालु, और उनको मेरे क्या चोर थे, उनको ट्रस्ट था कि हम उड़ाएंगे नहीं और इधर उधर मतलब फेंकेंगे नहीं, तो वो हमें मिलती, आपको मिलती थी जी, आपने अम्मा रख लेती थी, अम्मा रख लेती थी, मेहमान आते थे और वो हमें पकड़ाते थे, उसके बाद वो यहाँ अम्मा खड़ी है। वो नजर भी ऐसी होती ना, छुपाना चाहो तो उनको पता, बेटा वो पांच वाले और वो वहां। अरे यार आपने कब देखे हैं? सर आप बताएं, आपका तो बचपन हमसे दो साल पहले ही होगा। यार क्या मतलब है? अच्छा साथ साथ ही था। हाँ हाँ, उस वक्त पैसे इजाद नहीं हुए थे, उंगलियों पे उंगलियां भरी तो बकरियां मुर्गियां ये जो मिलती थी, फिर हम लेके जाते थे, तो हाँ तो वो हम लोग है ना, फिर उन्हीं की कढ़ाई बनाते थे, तो सबने खानी है। सही है, मुझे पता है ना, ये ईदी देने वाले एंड पे जो इंसान होता है ना, उसको बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मैं रिसेंटली मैंने वो लाइन क्रॉस की है, मुबारक हो, जब मैं कहता था आपने वो लाइन क्रॉस की अंकल जरा बॉल पकड़ा है, तो वो अब ईदी देनी पड़ती है, तो कैसा फील होता है जब आपको लोग कहते हैं ईदी? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुझे खुशी होती है, मैं अभी भी, लेकिन इस उम्र में मेरे एक मामू हैं, तसव्वुर नाम है उनका, आप तसव्वुर करें वाह कि वो कितने भी बखील होंगे कि मैं और मेरा भाई लड़ के जमीन पे उनको ऊपर बैठ के बटवा खो के ईदी लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको सिखा रहे थे कि हर चीज मेहनत से मिलती है। बिल्कुल, फिर मैं कराची आया तो मैंने कहा इससे और भी आसान तरीके हैं, आप सड़क पे ईदियां ले रहे हो। बिल्कुल, और जान ना पहचान फिर भी। अच्छा मुझे बताए कि अब ईदी देते हैं आपको या नहीं देते? नहीं, ये क्या बात है, लाइक क्या सुन रहे हैं हम? हाँ यार मैं क्यों नहीं देते भैया आप ईदी? मैं आज से अभी इसी वक्त, ये तो आप एक्चुअली नहीं, पिछले एक दो साल मेरा ही है ये, एक दो सालों से। अच्छा आपने इनका फोन इनको वापस कर दिया? अच्छा एक दो सालों से इश्यूज है, कुछ नहीं देना शुरू कर दिया है, देना शुरू कर दिया। अच्छा चेंज आया? यस, तो इनको दो साल पहले ही याद आया कि आप इनकी बेगम है, अब ये आप उनसे पूछे क्यों नहीं दो साल पहले? वो इंटरेस्ट शुरू हो गया हमारा। अच्छा पहले नॉट इंटरेस्टेड, शादी के आप ऐसे मौके पे पहुंचते फिर आपको अंदाजा होता कि यार ये ईदी नहीं है असल में, इन्वेस्टमेंट है। पेंशन प्लान है ये, वापस मुझे मिलेगा, कोई तो होगा ना कि यार मेरी जरा टांग दबा दो। ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज मुझे पूछनी कि हर फैमिली में एक अंकल होते हैं खास जो ज्यादा ईदी देते हैं, है ना, जो 20-20 का सेटिंग 50 का नोट दे देते हैं, ये सिर्फ उनके खानदान में ये चीजें मिलती है, हमें नहीं मिलती। उनकी ईदी खोई नहीं, अंकल का नाम बताएं। हाँ जी कौन है वो जो खास ज्यादा ईदी देता है? मुझे मेरे मामू जो है वो बड़ी ईदी जो है हमेशा। अच्छा ये और ये बड़ी ईदी क्या होती है, कितनी बड़ी? कोई बड़ी देखें, प्लॉट दे दिया। अब आप अपने साइज के मुताबिक तो ईदियां ना, बड़ी क्या हमारे साइज के मुताबिक ईदियां रखें, फिर भी मतलब नहीं क्या? मतलब कोई 10-1000 ईदी दे दी, लेकिन अब क्योंकि मेरे मामू के बच्चे भी जो है वो छोटे छोटे हैं, एंड नाउ आई ऑल्सो वर्क एंड अर्न, तो मैं भी उस कैटेगरी में आ गई क्योंकि मैं ईदी देती हूँ बजाय इसके। अच्छा, कौन है घर में जो सबसे ज्यादा ईदी देते थे? है कुछ? हाँ। मुझे इससे ज्यादा मिलती है वैसे। हैं? नहीं, तुम्हें मेरी, मुझे मेरी टोटल टोटल कह रहे हैं आप? इतनी ईदी मिलती है तो ये बताओ, इतनी ईदी मिलती है तो ये बताओ इस शो पे क्यों आए हो? जो बच्चों को देनी है वो बिजनेस माइंडेड। नहीं नहीं बताया ना कोई कितनी कोई ज्यादा ईदी, 10,000 का भी कोई टॉप करने वाला है भाई? जितनी मैं यहाँ से लेके जाऊंगा ना। क्या बात है यार, ईदी मिल रही है सर। मैक्सिमम ईदी कितनी मिली आपको?
नहीं मुझे तो कोई इतनी खास नहीं मिली, मैं मतलब तो कह रहा हूँ मामू के साथ बखालत की इंतहा देखिए, मैं खुद लड़के खो रहा हूँ हाँ। बट नहीं वैसे मैं अगर चार मैं सोच ही रहा हूँ मैं नुमान एजाज का नाम ले लूं, FBI उनके पीछे पड़ जाए। ओह नो नो नो, क्या ख्याल है ना? अब आपने ले ही दिया नाम आप। हाँ हाँ, नुमान एजाज बहुत 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 इजी देते हैं। हाँ हाँ, रोजाना लाख रुपए कभी इधर कोई उधर। क्या कह रहे हैं? चलो भाई बंद करो, चलो और चलो भाई, चलो भाई चलो भाई। आप बताएं आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम ईदी क्या मिली? मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर याद है कि हमारे बचपन में पुराना जमाना था, बट 10-10 के कड़क नोट, 50 रुपए की, ये वाला आजकल जो है ना 10,000 एंड ऑल, ये तो खैर बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा, बट उसकी बहुत एक्साइटमेंट होती थी बिकॉज़ वो नए नोट होते थे, करने का भी दिल नहीं चाहता था बिल्कुल। हाँ, और सब कजन्स को एक ही जितनी मिलती थी, 50 रुपए हमें लगता था कि बस। अच्छा, मेरी अम्मा तो कोशिश ये और ख्वाहिश होती थी कि वो नोट जितनी देर सीधा रह सके। मेरी अम्मा जो है ना 500 रुपए के ऊपर चूंटी मार देती थी, क्यों कहती है 700 देने पड़ेंगे वापसी में, बच्चों उनके बच्चे भी तो होते हैं ना, तो हम 500 तक ले सकते थे, 500 के ऊपर। हाँ, 1,000 रुपए का नोट हम देखे अंधे हो जाते थे, कहाँ है हमारा रूल था कि कम ईदी लेनी क्योंकि उनके बच्चों को भी देना। अब ये हो गया है ना, जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को मिलती है, फिर हम गिनते हैं कि हमने वापस कितनी देनी है। खवातीन हज़रात, आप देख रहे हैं हम बात कर रहे थे ईद के हवाले से और ईदी के हवाले से, उम्मीद करते हैं जो हम इनको ईदी देंगे हमें थोड़ी सी वापस भी करेंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए। आप देख रहे हैं मजेदार ईद विद आदि एंड फैजान। देखिए हर जाय 21 मई से जुमाता इतवार रात 8 बजे आपसे रिश्ता है प्यार का। वेलकम बैक टू द मजेदार ईद विद आदि एंड फैजान, और हमें दो मजीद जबरदस्त गेस्ट ने ज्वाइन किया है हमारे ही शो से, हमने इनको फाइंड किया था और बहुत ही जबरदस्त सिंगर्स हैं दोनों, हमने कहा कि ईद पे भी इनको बुलाया जाए। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है आयशा इजलाल जो कि बहुत जबरदस्त सिंगर है। आयशा वेलकम ऑन द शो, ईद मुबारक, जल्दी से कुछ गुनगुना के सुना दें। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, लपेक बार बड़ी जी। वाह, बहुत उम्दा। आपके आसपास बहुत सारे म्यूजिशियंस भी बैठे हैं आपको पता है, मोहसिन भी कहीं घूम रहे थे, अमर भी एंजॉय कर रही थी, और सर तो आपको पता है मेरा नाम भी तो लो, मैं भी तो हूँ म्यूजिशियन। सर आप तो उस्ताद है ना सर, आपका नाम ऐसे कैसे? मोहसिन भाई मैं आपको आयशा की बहुत अच्छी सी चीज बताऊं, ये ना एक सख्त बर्गर है असली जिंदगी में, लेकिन जब ये गाना गाती है ना तो कहीं से पता नहीं चलता ये किस तरह की। आप करके देख लें, क्या करके आप उनसे बात करके देख लें, आपको 2 मिनट में पता लग जाएगा। अभी हम इनसे बात करेंगे, टेंशन में रहती हैं, अभी हम इनसे बात करेंगे। चलें अगले, अभी हम इनसे बात करेंगे। और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनका नाम है अरसलान शेख, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अरसलान ईद मुबारक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। आपको ईद मुबारक, गुनगुना के सुनाइए। जे देखा अख लगी तो सा, ते देखा अख लगी ना है, जदे खा चाक कई दिल तो, तदे खा चाक थी ना है। जबरदस्त। अच्छा ईद मुबारक आपको। ये क्या इल्जाम लगाया आप पे मिस्टर आदि ने? पता नहीं क्या इल्जाम, ऐसा नहीं है, देखो इस वक्त सब में से सिर्फ एक ही कोई बर्गर हो सकता है तो वो आराम से पकड़ा जाएगा जो भी होगा। हाँ, वो मैं चाह रहा हूं तो है नहीं, मैं चाह रहा हूं आयशा से बात करें तो पता चले जो इल्जाम इन पे लगाया बिला वजह का भाई। इससे इससे साफ लगे कि आयशा जो है ना अब्रॉड के स्कूल में पढ़ रही है। ईद कैसी गुजरती है? ईद अच्छी गुजरती है, सुबह में उठते हैं सब तो नमाज पढ़ने चले जाते हैं और अम्मी खाने पकाने में लग जाती हैं, फिर वो लोग वापस आते हैं और फिर हम सर आप मार्केट के आदमी हो सर, देखें ये एक्सप्रेशन जो ना हमारे यहाँ है ही नहीं। कौन सा?
ये हमारे पास नहीं है, फिर वो आ जाते हैं, ये हमारा नहीं है, फिर हम सब जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं। नहीं नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट, ये हमारे पास नहीं है, कोई मसला नहीं है इसमें। नहीं, ये तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, हम आपको मैंने तो तारीफ सुपीरियर दर्जा दे रहे हैं आप। नहीं, मैंने तो तारीफ में कहा था। हाँ, लगा नहीं ना बिल्कुल भी वो तारीफ। तारीफ ये थी कि एक इंसान जो इतना कूल है अपनी जिंदगी में, जब वो इतने उर्दू वाले गाने गाते तो उसके गाने में वो फील नहीं आती, तो मेरा 250। अच्छा अच्छा कवर किया आपने, अच्छा कवर किया आपने, कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा कवर है यार। हाँ, अच्छा कवर है। अरसलान, आप बताएं आपकी ईद कैसी जाती है भाई? सर उठते हैं, ये बड़ी बात है, हमारे इलाके का है ये, हमारे इलाके का है। मैं कहता हूँ हमने कमाल कर दिया, वाह जी वाह, ये हमारे इलाके का है। उसके बाद शायर कहता है कि उठते हैं और रावी वहाँ बैठा लिख रहा है। हाँ, रावी ने लिखा है उठते हैं, लड़का उठा है। उसके बाद नमाज की तैयारी होती है, नमाज में जाते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, फिर सो जाते हैं। अरे शाम को उठते हैं, गर्मी है ना सर आज, यानी उठते हैं तुम से ये कर उठ रहे और सो रहे हो, सो रहे हो। शाम को उठते हैं वही, फिर दोस्तों के साथ घूम फिर लिया, फिर आके सो गए। बहुत सो गए, बहुत ज्यादा उठ गए ये लड़का। हाँ, आदि भाई, मैं चाहता हूँ आप भी कुछ गुनगुना दें सर ऐसे में। हाँ, ये दिन तो दिखाओ अभी आज। अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं ऑडियंस के बगैर तो करता नहीं हूँ ना कंसर्ट। कंसर्ट 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 ऐसे नहीं। असल में ऑडियंस का आज माशाल्लाह काफी ऑडियंस आ रही है। नहीं नहीं, इस वक्त जो देख रहे हैं वो गाएंगे सर। हाँ, कम से कम ये अल्लामा इकबाल पार्क हो तो मैं परफॉर्म करता हूँ। खाली कहाँ ये अल्लामा? लाहौर में, लंबा वाला। खाली हो, खाली खाली हो, पार्क तो होना कम से कम। पार्क हो, लेकिन कुछ पार्क हो वहाँ। ठीक, कुछ पार्क हो, कुछ पार्क। अच्छा जी, मुझे बताइए, सब वन बाय वन बताएंगे इंशाल्लाह कि ईद पे कहीं जाते हैं ये लोग, आपके घर आते हैं? वो एक होता है ना खास, एक हर फैमिली में एक होता है कि इस घर जाना है, तो वो आपका घर है या आप कहीं जाते हैं? हमारा ये होता था जब कोविड नहीं था, तो फिर घर के कोई एक बड़े होते थे जिनके घर जी। तौर पर मायरा के घर में जो सबसे बड़े थे मरहूम जस्टिस सरदार इकबाल, तो वो दादा अब्बू का घर। ठीक है, तो मेरा सारा ससुराइल जो है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे फील हुआ, यहाँ तक फील हुआ मुझे, ससुराइल जो आपने जोर दे के बोला। लेकिन खब्बा बड़ा अच्छा होता था, तो फिर जाना पड़ता था। ठीक है, हमारे यहाँ होता था, मेरी वालदा की फुफ्फो जो थी वो होती थी, लेकिन अब ये बड़े चले गए ना, तो फिर वो जरा तितर बितर हो गए। हाँ, वो जोड़ के बड़ा रखते हैं, वो बड़ा मिस हो। जी जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब किसको कीमत सुनाए, हम किसके कपड़े देख के कहें अब क्या की पाया है, किसको कहें? नमक कम था, आदि के कपड़े देख के कहें एक ही पाया है ने। सर अगर आपने किसी को कहना है तो आप ब्लॉगर बन जाए ना। क्या कह रहे उसको, ये मुझे पता, ये ब्लॉगर तो नहीं था, ये ब्लॉगर काफी कंफ्यूज था, ब्लॉगर बन जाए सर। सारे ये ब्लॉगर्स के कमेंट पढ़ता है तो ये क्या तसव्वुर कर रहा है, वो क्या कह रहे हैं? एग्जैक्टली, आपको लगता है ये पढ़ता होगा? इनको देख के आपको लगता है कुछ पढ़ता होगा? मतलब मैं देखता हूँ उन पे, ऐसी बात होती है ना, देखें उसने उसको फॉलो कर दिया। हाँ, वाकई देखें, उसकी टूट गई, उसकी जुड़ गई, उसने इससे तोड़ के उससे जोड़ ली, ये दोनों पहले ही साथ थे। मेंशन कर दो किस चीज की बात, सब पता है। हाँ, है बड़ा मीस में, उसको सब पता है, स्टॉकर है सर। ये इस लेवल का स्टॉकर है कि मुझे पूरा दिन वीडियोस आ रही होती है रैंडम अलग अलग पेजेस से, ये देखा तुमने? ये देखो सर, मैं इतना बड़ा स्टॉकर हूं, कोई भी लड़की का नाम आप इंस्टाग्राम पे रख के उसके इनबॉक्स देखे, मेरा हाय का मैसेज होगा मिनिमम। मैं सलाम दुआ कर लेता हूँ, जवाब मिले ना मिले, जवाब उधर से भी हाय ही होगा। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी बुरी बात है, बतानी नहीं चाहिए। मैंने ना एक लड़की मुझे कहीं मिली, हमारी दोस्ती हो गई, मैंने उसको बोला भाई तो मुझे इंस्टा पे ना इनबॉक्स कर दो, फिर मैं फॉलो कर लूंगा। अब वो मुझे ढूंढे, मैं मिलूं ही नहीं, तो पता ही चला कि मैंने कहीं उसको साल पहले मैसेज किया था, उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ था। अच्छा, तो तुम एडवांस में ब्लॉक हो गए थे? अचीवमेंट है सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। अच्छा जी बताएं, आप लोग किसी के घर जाते हैं, लोग आपके घर आते हैं, क्या खाला की तरफ? हालांकि उसकी वजह बता दी, वो तो मुझे पता है। क्या वजह थी हालांकि? ईदी, एक लाख की ईदी, एक लाख की ईदी, बहुत बजट। हम भी इस बार आपकी खाला यार, वाकई मेरे भी घर के बड़े नहीं है, बाप के बड़े मेरे बड़े। हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, खाला खाला क्या जाने, तो खाली हाथ वापस ही आना है। जी अमर बताएं, आप तो खैर सोती रहती। हम भी मेरी अम्मी की खाला है, पूरा जो हमारा टब्बर है एक पंजाबी खानदान, उनके घर दोपहर में इकट्ठा होता है और हम फिर खूब खाबा खोरी करते। अम्मी की भी खाला जी जी, माशाल्लाह भी माशाल्लाह। तो मैंने बहुत ही आदि भाई, आप नहीं, आपको तो खैर कोई बुलाता नहीं होगा? नहीं नहीं,
मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं बुलाता। सोच ले नहीं कोई नहीं है ऐसा। अच्छा कोई नहीं। ओके। कोई मिस कॉल भी नहीं। मिस कॉल भी नहीं। हमारे आ जाता है ये। मैं इनके घर आया था। मेरी जिंदगी में मैं वैसी कहीं नहीं जाता। द ओनली प्लेस आई लव गोइंग या मैं जाता हूँ वो फैजान का घर। तो यू लव गोइंग, इसीलिए हम कहीं और जाते हैं उस दिन। ये आ जाता हमारे, हम चले जाते। और एक और घर, आयशा का घर। आयशा के जो फादर हैं निजार भाई, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये तुम्हें वो नजर आए पीछे तो तुम्हें याद आया। नहीं, मैं बताने लगा था क्योंकि मेरे पास बहुत कम घर हैं जहाँ मैं जाता हूँ। तो इनका घर भी वैसा ही जाता है। नहीं, तुम आते बहुत कम घरों में, असल में बात सारी संभालते। मेमोरीज आ रही है आगे। आयशा आप बताइए कि आप कहीं जाती हैं या सब आपके घर आते हैं? हमारे घर आते ज्यादातर, मेरी फुप्पो और मेरे चाचू हमारे यहाँ सब आते हैं। कैसा फुप्पो और चाचू? अच्छी खासी ईदी मिलती होगी आपको भी मुझे लगता है। अब कम मिलती है क्योंकि बड़ी हो रही हूँ। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ आपकी कम ईदी क्या है? हमारी को 2-2.5 साल की ईदी 9000। नहीं, the thing is, अब इतने छोटे छोटे इतने सारे बच्चे हो गए। अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गई है। कम हो गई है ईदी सब, मतलब 300-300 मिल जाते हैं मैक्सिमम, तो बस अब लेट आ जाता है। लड़के तुम तो सोते रहते होगे जब ईद ईद हमारे ईद पेट पर रख के चले जाते हैं। जब पे जो आया तो सो रहे अंदर भाई। सेकंड डे पे उठते हैं ना सर? सेकंड डे उठते हैं। शतरमुर्ग है। सेकंड डे फर्स्ट डे तो हो गया सर, सारा बता दिया। सेकंड डे पे उठ के फिर विलेज चले जाते हैं। अच्छा, विलेज हमारे खाना वहां का बहुत विलेज नहीं, विलेज वहां पे क्लॉक टावर खुल गया। अरे भाई, गांव जाते हैं अपने। अच्छा, अपने गांव। हां गांव, बादशाह के चक्कर में विलेज ना कहां। भाई गांव जाते हैं, गांव के गांव जाते हैं। आयशा के चक्कर में विलेज के बाहर। और विलेज भाई गांव, लड़के गांव गांव सही है, गांव जाते हैं। गांव जाओ भाई, ठीक है, गांव गांव सही है। यार ये दो इंतहाई गलत लोग बैठे हैं आपके सामने। वो पीछे कह रहे हैं भाई खुदारा ब्रेक ले लें। नहीं नहीं, गांव जाते हो फिर? बस फिर वहां आपने पूछा ना कि वहां जाके सो जाते हैं, फिर वहां उठते हैं, उठते हैं कमा के। तीसरे दिन उठे वापस सिटी, सिटी में आके सो गए। हमारा सफर चल रहा है सिटी और गांव के दरमियान। आप जाइए ब्रेक पे, ब्रेक पे वापस आइए। हमारा आप देख रहे हैं मजेदार ईद विद आदि एंड फैजान। बिल्ली को हमने साइड पे कर दिया है। हाँ। और अब फैजान बताएंगे कि हमने करना क्या। करना नहीं, हमने जी बात ये करनी है कि ईद पर खास डिशेज होती है जी हर घर में। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी खास डिशेज जो आपके यहाँ बनती है या यू लुक फॉरवर्ड टू इट कि जी ये बनेगी तो हम खाएंगे इस तरह से? यार हमारे जो आमतौर पर भी बनती है लेकिन उसके ऊपर बड़ी बहस छिड़ती है कि इसका नाम क्या है। अच्छा, जिसको हम लोग शीर खुरमा भी कहते हैं और दूध सवैया भी कहते हैं। अब ये लड़ाई हो रही है कि नहीं शीर खुरमे में ये होता है, दूसरे हाँ जी, हर जगह जो है वो अलग तरीके का शीर खुरमा होता है। कहीं ड्राई होता है, कहीं गाढ़ा होता है, कहीं पतला होता है। जी बिल्कुल, मैंने कहा मैं सही डिपार्टमेंट में पूछूं ना कि आप बताएं किस तरह का बनता है शीर खुरमा। सादा दूध सेवैया बनती है, उसके ऊपर बादाम होते हैं और वो रायान जो बेटा है हमारा वो निकाल के साइड पे रख देता है। अच्छा, बादाम साइड पे कर देता है। हाँ जी, तो ये बड़ा मसला है दूध और सेवैया बेसिक चीजें समझ में नहीं आजकल के बच्चे। आई टेल यू राइट। अच्छा मुझे बताएं कि जो दावत होती है ईद की उसका भी खास मेन्यू सेट किया जाता है, तो उसमें आपकी कितनी सुनी जाती है और आपकी कितनी सुनी जाती है? और आप कितनी सुना रही हैं? आप बहुत कामयाब होंगे अपनी शादी में। वेल डन। थैंक यू सर। कुछ सीखो यार। नहीं, मेन्यू मैं ये सेट करती हूँ। जी वो तो मुझे पता था। आई आस्क देम, बट खाने वक्त के शौकीन ये लोग हैं, मुझे खाने का खास शौक नहीं है इतना। अच्छा, मैंने देखा जो लोग पकाते हैं उनको शौक खत्म हो जाता है खाने वाला, कहते हैं पका पका के इतना वो। लेकिन हैरान कुन बात है कि खानदानी कश्मीरी ये। अरे वाह, थैंक यू, ये खानदानी कश्मीरी होते हैं। हाँ। अभी लेकिन अच्छा। लाहौर पंजाब में जो कश्मीरी है ना वो फिर भी गोरे रहे, कराची आते आते थोड़ा सा रंग सड़ जाता है। हाँ। हाँ। ये क्या वजह? असल में यहाँ सूरत तेज होता है ना। कैसी पढ़े लिखों वाली बात की मैं? क्या क्या बात है? अच्छा, खुद भी यकीन नहीं है ना कैसी? मुझे लगा कहीं गलती ना हो। कैसी पे? हाँ जी, तो जो मेन्यू सेट होता है उसमें कितनी कोई बहसबाजी होती है कि नहीं जी ये रखें वो ना रखें? नहीं, ऐसे ईद पे नहीं होता। ईद पे एक हलीम एंड बिहारी कबाब ये चीजें बनती हैं। ये ईद की ही चीजें होती हैं, रेगुलरली इतनी नहीं बनती, तो खाते हैं शौक से। तो उसमें उमेर सर कितना हाथ बटाते हैं आपका? सामान लाके देते हैं आपको, एक पाव दही ले आना। हाँ, ये वाला काम बिल्कुल। वो तो अब रायान भी बड़ा हो गया, वो भी ले आता है। अच्छा, और सामान लाके देते हैं और खाना पकाने में कोई हेल्प नहीं होती, बर्तन धोने में लेकिन जरूर होती। ईद के जो बर्तन होते हैं ना सेकंड डे के बाद, वो लड़के धोते हैं। ये तो अच्छी बात है। वेरी नाइस। खास कोई खास चीज बनती हो ईद पे
जो आप देख मैं आपको बता अच्छा। आपने बॉल लेफ्ट करके मोशन कर दी। जो है वो यखनी पुलाव मटन का बड़ा जबरदस्त चिपक रहे होते हैं तो वो खाने क्या बात है यखनी में वाह 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 जबरदस्त। मोहसिन बताइए भूख तो लग गई बिल्कुल। सर मैं देखें हमारे यहाँ पहले जब कुर्बानी हो जाती है तो उसके बाद फिर पहले कलेजी बनाते हैं। अरे वो दूसरी ईद होती है ये छोटी किसने बताया था मुझे। अरे नहीं यार आयशा आप मोहसिन के साथ प्रैंक कर रही है। आयशा वो बड़ी ईद होती है। इन्होंने मुझे कहा कि कलेजी बनती है पहले वो बड़ी ईद होती है। मतलब नहीं मतलब इसी पे भी कलेजी खा सकते हैं मसला नहीं है। अच्छा पता नहीं वो फिर खास आइटम क्या बनता है जी बताइए। सेवैयां 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 बनती हैं ठीक है जी। आयशा ये बड़ी बात है सिर्फ सेवैयां होती है पूरा दिन वही खाते रहते हैं लोग जी। तो सवैया ही बनती है वाइट जब आप उठते हैं वाइट जब भी नहीं कह रहा जब मैं उठता हूँ सवैया खत्म हो चुकी है फिर हम सवैया खाने विलेज चले जाते नहीं तो सवैयों के अलावा भी तो कुछ बनता होगा ना पूरा दिन होता है यार। रेड भी होती है वाइट भी रेड एंड वाइट रेड एंड वाइट सिगरेट पी रहे हो तुम लोग भाई क्या हो गया तुम एक अलग अलग टेम्पो पे चल रहे हो। नहीं नहीं एक सेकंड एक हमारा स्लम दूसरा है। नहीं ये सवैया रेड और वाइट दोनों एक डिफरेंट सवैया है और ये शायद इस तरफ शहरों में मेरे ख्याल में कम मिलती होगी लेकिन विलेज में मिलती है एग्जैक्टली। नहीं तो क्या होता है फर्क क्या होता है लाल और सफेद में। उसके ऊपर आप मतलब जब वो बन जाती है बॉयल होके बनती है उसके ऊपर आप अलग से शुगर ऐड करते हो। यार आप सिंगर नहीं थे आप तो शेफ बन गए। नहीं मेरे ख्याल से आप जो कहना चाह रहे हैं एक ब्राउन सेवैया बनती है जो ड्राई होती है बिल्कुल और वाइट वाइट अलग होती है तो हाँ। दोनों हमारे घर दोनों वो बनती है। कलर ब्लाइंड है जिसको जो खाना ब्राउन और रेड अलग कह रहे हैं हमारे यहाँ दोनों बनती है जिसको जो खाना वो खा। एक सवैया तो वो भी होती है ना जो फ्राई करते हैं और उसको दही के साथ भी खाते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ लग रहा है वो रमजान में फेनी होती है। अरे नहीं यार खुजला मैं बताता हूँ खुजला नहीं खुजला होती थी ना वो जो ऐसे बनाते थे हाथ से तोड़ के बनाते थे वो खुजला या फेनी होती है ना वो तो नहीं फेनी चाय और दूध के साथ। हाँ वो कुछ और होता है फेनी कुछ और होती है वो एक होती है वो छोटी है ना हाथ में। तुम क्या खा रहे हो दोस्त सही बता रहा हूँ तुम क्या खा रहे हो। बात यह है कि अब क्योंकि हम लाहौरी पंजाबी जो हैं हम तो फ्योनिया वगैरह कराची जब मैं शिफ्ट हुआ तो मैंने कहा यार मेरा दिल चाह रहा है कि जरा फ्योनिया खाए। फ्योनिया पता चला सिर्फ ईद पे मिलती है। असल में होता ही है कि रमजान में ज्यादा बिकती है मिलती तो है लेकिन वो कम कम मिलती है वरना रमजान में तो भाई ठेले लगे होते। मेरे घर में तो वो भी होती है अम्मी दिल्ली कॉलोनी से लेके आती है वो रंग बिरंगी सवैया वो थोड़ी मोटी मोटी होती है यार थोड़ी मोटी होती है। लाल सवैया होती होगी फिर यार जब रंग बिरंगी रंग बिरंगी अगर तुम्हारी रंग बिरंगी मान ली तो उसकी लाल माननी पड़ेगी। लग नहीं रहा कलर मान रहे हम छोड़ो मेरी भी ना मानो सिर्फ लाल वाली भी नहीं होती। सुबह खा के निकला था बास्केट पे गिर गई सर रंग बिरंगी। अच्छा जी हमने इसके साथ साथ आप लोग के लिए कुछ खाना सर्व भी किया है आप बिल्कुल ले सकते हैं फ्रेशली मेड खाना है जो कि आप लोग अगर आप चाहें तो हाँ एग्जैक्टली वो आदत नहीं होती आप रोजे की आदत होती है तो फिर आप नहीं खाते लेकिन आती अगर आप बिल्कुल और कोशिश करेगा बड़ी बोटी ना ले क्यों और भी मेहमान आने ये होता है ना घर में। अच्छा ये वाला तो हर जगह होता है ना कि जी जब खाना सर्व होता है तो घर वाले वेट कर रहे थे ये कब खाएंगे कब जाएंगे देख ही रहे होते हैं। हमारे घर में तो ये होता था हमें ट्रेनिंग थी कि भाई मेहमानों के सामने तो खाना ही नहीं है ना अब मर रहे हैं भूख से मेहमान ने उन्हें बोल दिया कि आप भी ले लो बेटा नहीं अंकल भूख नहीं है बिल्कुल अलाउ नहीं था खाना। हालांकि इतने कमजोर लग रहे हो आपको पता है एक बार मेरी अम्मी हमारे घर में एक मेहमान आए तो मेरी अम्मी को लिए ना वो केक लेके आए तो लेके आ गए उन्होंने फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर बाद मेरी अम्मा ने उन्हीं का केक उन्हीं को खिला दिया और कह रही है अमजद बड़ी दूर से लेके आए हैं आप कहते हैं यार क्या मतलब एक जैसी चॉइस है क्या बात है। अच्छा जी मैं चाहता हूँ कि आयशा और सलाना हमें एक जबरदस्त गाना भी सुनाए इसके मीनवाइल हम थोड़ा खाना लेते हैं
बड़ी बड़ा शादी वाला माहौल बनाया हमने, है ना? आप गाना शुरू करिए, हम खाना शुरू, नहीं नहीं, ताकि सब मसरूफ रहे ना, ताकि सब मसरूफ रहे, वो ना खाए, नहीं उसने फिर विलेज जाना है ना, वो विलेज जाके क्या बताएगा, वो विलेज जाके क्या बताएगा कि वहाँ खाना नहीं पूछते, नहीं यहाँ लाल वाली सेवैया नहीं है ना, हम इसको वो भी असल में खामोशी में खाएंगे ना, तो खाते हुए कैमरा आप पे आ जाएगा, तो मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ बीच में आ जाएं, आप लोग यहाँ बीच में आ जाएं, आप लोग गाना शुरू करें और हम खाना शुरू करते हैं। आइए जी, आइए। तेरी मेरी कहानियां कर दे कोई नवाजिशे करम मेहरबानियां, ये आरज़ू थी कि देखिए दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं, कर दे कोई नवाजिशे करम मेहरबानियां, छुप रहे थे वो एक सवेरा ढूंढ रहे थे, सदियों से जैसे जाग रहे थे प्यार को अपने ढाप रहे थे, फिर गिर पड़े कोई मिला ना सहारा क्या करें, आप लोग देख रहे हैं तो मजेदार ईद विदादी एंड फैजान, और अब जो हम गेम खेलने लगे हैं, अब वक्त आ गया गेम खेलने का, okay, गेम हम वक्त आ गया ईदी बांटने का, नहीं उस गेम का नाम मैंने रख लिया, अच्छा। चिट्टा सॉन्ग चिट में से सॉन्ग निकलेगा, सॉन्ग नहीं निकलेगा, एक वर्ड निकलेगा, आपने उसको गाने में इस्तेमाल करना, अच्छा, है। गाने को सॉन्ग ही कहते हैं ना इंग्लिश में। ओ वाह यार, है, तुम भी विलेज हो, ऐसे वो वाला गाना भी तो है। और जी उसके साथ मौजूद है बहुत सारी ईदी, आदि भाई, आदि ने कुछ 150 दफा गिन ली है, और यकीन नहीं आ रहा, 50-50 के नोट में 5,000 रुपए है ये, पांच हजार में 50 के कितने नोट होते हैं, 100, और 1,000 में 20, आपने एक्सप्रेशन चेक नहीं किया, 20 और 2,500 में कितने होते हैं,
फैजान लेट्स डू द शो. ठीक है जी, तो गानों की वोकैबुलरी जो है अच्छा चिट्टा सॉन्ग मैंने सुना है कि बराबर बड़ी अच्छी टीम जो है वो यहाँ बैठी हुई है चिट्टा सॉन्ग पे गाना वो बैठी है भाई. नहीं ये आपके पास भी तो है ना. नहीं आपके पास भी है. हमारे पास एक है. भाभी ने बताया कि मुझे बहुत गाने मैंने तो लिखे भी हैं. है ना. तो जी यही टीम इसी टीम पे हम स्टिक करते हैं. और पहले वर्ड किसके लिए निकाला जाए. आप लोग के लिए. आप लोग आज ही टॉस करके करना क्या. टॉस कर लो. हाँ पिन कर लो. वर्ड निकलेगा इन पिन सेफ्टी पिन. वो गाना गाना है. खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट. ओ यू टी आउट. आया आपने करना उन्होंने. क्या बात है. अच्छा जी वर्ड है चांदनी. चांदनी क्या बात. बहुत अच्छा. एक फरमाइश कर सकते हैं हम. जी जी प्लीज. क्योंकि उस तरह की बड़े दिल वाली टीम है और बाजौक टीम है तो अल्लाह इसका मतलब भी तो थोड़े पुराने भी हैं. काफी पुराने भी हैं. जी जी. तो सब जग सोए हम जागे चांदनी रातें. अगर हम टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें चांदनी रातें वो चांदनी रातें हो चांदनी रातें चांदनी रातें हो चांदनी रातें. क्या बात है. बहुत से सब जग सोए हम जागे तारों से करें बातें हो चांदनी रातें हाय चांदनी रातें. आपका बनता था वैसे. नहीं नहीं बिल्कुल साथ आई वाज एंजॉयिंग इट. सर आपका भी बनता है. आपको मैं 50 दूंगा. जल्दी से दो. ईदी दो. ईदी दो. नहीं कर. हाँ हाँ आयशा को भी दें और मोहसिन को भी दें. और ये नोट असली है. ईद मुबारक नहीं लिखा हुआ इन पे. नहीं 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 सर ओरिजिनल ओरिजिनल. आप भी मेहनत करो मिलेंगे. अच्छा मजे की बात ये जब आयशा गाना गा रही तो आदिल ने कहा क्या पैसे देने. यार गा तो नहीं कहा बिल्कुल. जो कहते कितने गाना गा रही है पूरी टीम को दें यार. ये क्या उन्होंने कोई स्टेप भी नहीं किया. बस आपने चले जाना है. हमने दूसरा शो भी करना है. टीम वर्क कर इसी में से. इसी में से कह रहा है. ओके ओके. अगर आप तीनों परफॉर्म करेंगे कोई डांस कर ले. अच्छा ये बाकायदा आदि की मर्जी है जिसको जो ईदी देना. तेरी आदि प्लीज आदि दोस्त अब मेरे पीछे पड़ो. चलो आदि 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 मैं बिजी हूं. ओके शो कर. ओके क्या है अगला. चलिए अगला अगला वर्ड है यारी. और आप लोगों की बारी है. ये यारी और यारी 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 यारियां हो सकता है. यारी हम कर ले. यारी आपको आता है वाइटल साइंस का. वाइटल साइंस का ना. यारियां यारियां छोड़ के चले जाते हैं. यारी 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 यारियां जो के छोड़ के चले जाते हैं उन्हें नींद कैसे आती होगी. प्यार को जो के तोड़ के चले जाते हैं उन्हें जिंदगी सताती होगी. बस हो आदि को ब्लॉक कराती होंगी. आदि आदि कितनी दीदी दे रहे हैं. आदि हमने परफॉर्म भी किया. उनको ज्यादा मिल रही है. आप चुप रहे. उनकी बारी अभी. आप उनकी बारे में क्यों तो उनकी बारे में धानी का शो फ्री हो रहे हो. फ्री हो रहे हो. आपको 50 रुपए. आपको भी 50. आपका 25 बनता है. आपने चुटकी बजाई लेकिन नोट. उसने गाना नहीं गाया. बढ़िया थी. खैर हुए. नहीं उसने एंजॉय किया. अम्मा आदि आपने सिर्फ मेसेज आपको आपको चुटकी बजा ली. 150 आप देंगे. 150 आपको चुटकी बजा ली. वो बकाया जो बचा रहे हैं वो आपके लिए बचा रहे हैं. मुझे जानता हूं. चले भाई आप इनका आप दोनों का 1-1 होगा. गम 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 गम. अच्छा बस ठीक है. अच्छा सुनो जब तक वो गाना सोच रहे हैं उन्होंने कहा था अस्थाई
क्या होता है अस्थाई? क्या मतलब अस्थाई? कहते ना अस्थाई, जरा मुझे पहुंचा के अस्थाई क्या होता है? ये कमीज की अस्थाई नहीं होती, वो आस्तीन होती है। ओ अच्छा, कुछ कर लो, 50-50 चले जाएंगे, 150 आना चाहिए इस घर में। एकदम ऐसे लगा सज्जाद भाई को गुस्सा आ गया, बेटा परफॉर्म तो करो। हाँ जी, परफॉर्म, अमर परफॉर्म कर दे। हम के सिवा इस दुनिया में अब और हमारा कोई नहीं, कल दिल के सहारे थे क्या क्या, अब दिल का सहारा कोई नहीं। यार मैं इतना दुखी गाना गा रहा हूँ यार, शर्म करो। आपने परफॉर्मेंस नहीं चेक की है। भाई आपको 50 मिलेंगे, उनको 150 मिलेंगे। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ जी जी जी, चाचू आ गए, चाचू ईदी वाले चाचू। ईदी बच्ची ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, माशाल्लाह। 100 आपका बनता है, आपका 50 बनता है, आपका भी बनता ही है वैसे तो। पिछले यार एक आदमी ने इतना अच्छा गाना गाया भी, निभाया भी, हाँ, भाई। और पसीना भी आया मुझे, मैं मतलब यार 50 इंडस्ट्री में लड़कों की कमी है। हाय हाय, क्या बात है। एक सेकंड, कमी है इशारा तेरा था, नहीं है जरूरत नहीं, तेरी बॉडी लैंग्वेज तेरे अल्फाज का साथ नहीं है। अच्छा जी, अगला वर्ड आप लोगों के लिए है काजल। हाय हाय काजल, काजल तेरी जमीन। सही समझा। काजल, पाकिस्तानी भी गाना है। काजल, 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 आपके गाने में काजल आना चाहिए, काजल आपकी आंखों में आ रहा है। काजल गाने में आए, काजल आपको आता है काजल से? चले भाई आप अपना कोई नहीं, काजल काजल। 3-2-1 भाई शहजाद राव का गाना है ये, बकर गाना है ये। काजल खत्म हो गया भाई, आपका पॉइंट खत्म, सॉरी। इश्तिहारी हो हाशमी काजल का। अच्छा यानी वैसे वो था कुछ, वो एक था ना, वो कजला भी पाया नाम है, काजल भी पाती है, चांदनी रात है। अच्छा जी, इन्होंने ईदी मिस कर दी है, मिस कर दी, और अब पॉइंट हो गया है 2-1। किसी को आता है काजल ईदी एंड में गिनेंगे ना, है ना, एंड में पामा की में कजला, एंड में ईदी गिनेंगे तो पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। भाई आपको ये बता दें कि पॉइंट से ये गेम नहीं है, आखिर में ईदी काउंट होगी जिसके पास ज्यादा है, ठीक है। ईदी मेरे हाथ, शाबाश बच्चों। हाँ जी, तैयार हो जाएं। तिल 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 पाकिस्तान, चेक चेक। वो तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, मेरा कट के ले गया दिल वे, मेरा कट के ले गया दिल वे। आपकी बारी है, और वर्ड है मुखड़ा। मुझे भी तो हो गया, एक शहजाद रो एक था। जी 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 जी, बिस्मिल्लाह। हां बिल्कुल चलेगा। मुखड़ा मुखड़े अस्सलाम, मुखड़ा ना दो कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, कीवे मुखड़े तो नजरा हटावा, नी तेरे जे आहोर दिसदा वे माहिया, नी तेरे जे आहोर दिसदा, जी करदा मैं तेनु वेखी जावा, जी करदा मैं तेनु वेखी जावा, नी तेरे जे आहोर दिसदा वे माहिया, नी तेरे जे आहोर दिसदा। चाचू ईदी कराए भाई, माशाल्लाह। सर ये आपका 150। अरे वाह वाह, आपने अपनी इसके साथ भी खेला, प्रॉप्स यूज किए आपने, अच्छा लगा। 150 आपका, क्या आपने इसका आंखों में देखा, ये कटवा दिया, ये कटवा दिया प्रॉप।
मैं ये बता दू बार इज गेटिंग हायर बढ़ाए. अच्छा जी अगला 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 है. अच्छा अब मैं सख्त हो जाऊंगा. अब आई एम स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट आई एम स्ट्रिक्ट ही इज अ स्ट्रिक्ट आई एम अ स्ट्रिक्ट बच्चों इससे आई एम अ स्ट्रिक्ट माय कजन आई एम अ बिग इंग्लिश ह्यूमर यार. हां जी अनाड़ी 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 मुश्किल हो गया. अनाड़ी अनाड़ी अनाड़ी. अच्छा एक सेकंड एक वक्त एक लम्हे के लिए हम सोचते हैं हम टीम्स नहीं. अनाड़ी पे कौन सा गाना है अनाड़ी. हम तो हेल्प नहीं कर रहे हैं तो कंपटीशन अपना अपना खेलें. मैंने कहा एक मिनट के लिए नहीं सॉरी सोचने से बोला था कि हम नहीं है लेकिन चले अनाड़ी अनाड़ी भाई आप काउंटर नहीं देते करें. मैं नहीं लेकिन इंडिया का अनाड़ी तो खिला इंडिया का अनाड़ी टू वन. अच्छा अब मुझे जानना है कि जिस शख्स ने ये समझदार ने लिखी है वो मुझे बताए अनाड़ी पे गाना. काजल का भी बता दें. आई चैलेंज के अनाड़ी पे गाना बताएं. नहीं वी चैलेंज इसमें अनाड़ी भी हो और काजल भी. काजल भी हो तेरी आंखों का ये काजल एक एक गाना है. मुझे इसकी मेलोडी याद नहीं है बट इट्स अ सॉन्ग. लेकिन अनाड़ी पे कोई गाना नहीं है दोस्त. तेरी आंखों का अनाड़ी पे कोई गाना नहीं. नहीं नहीं अनाड़ी पे अगर कहा गया तो गाना होगा. चलें आ जाएं आगे सोच समझ के. अच्छा जी आपकी बारी आ गई है और वर्ड है अदा. अरे ये अदाई नाज़ क्या माइक 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 पकड़ो अभी अभी आप गाते प्लीज थोड़ा सा. ये अदाई नाज़ ये अंदाज़ आपका. ये अदाई नाज़ ये अंदाज़ आपका. धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया. धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया. वाह जी वाह. ये अदाई नजाकत बरास मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन ये अदा ये नजाकत बरास मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को. क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को जब ये आंचल संभलता नहीं है. आप बैठे हैं बालन पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है. मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं. क्या बात है. ये लड़का वाह वाह. ये लड़का 5वें सेगमेंट में जा रहा है. 500 तो इनका बनता है यार. 500 बनता है. अब उठाए चाचू. ओ बन चाचू खड़े हो गए. चाचू खड़े हो गए. 50 रुपए दे मुझे. क्यों बेटा 50 रुपए दे दे तो आपको बताता हूं मैं. ये आपने उनकी बारी में जो कहा उसके पैसे कटे. नहीं नहीं नॉट फेयर. देखिए मैंने भाभी का साथ दिया था. आपने निभाया गाना यार. और मैंने नोट की कि आप दोनों ने इस पे बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं की. आपने बिल्कुल तमीज से सुना इसलिए 100 आपको. नहीं आप उनके पैसे वापस करें. वो मेरी हेल्प कर रहे थे. वो मेरी हेल्प. मैंने भाभी को एक तो सपोर्ट किया दूसरा मैंने तुम्हारा शो बनाया. भाई हम लड़के को 200 रुपए दे रहे भाई. चाचू 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 उसमें भाई 50 रुपए दे दिया. चाचू क्या किया ये. कुछ भी नहीं किया. अच्छा जी मेरी आंखों के पीछे क्या आ रहा है. ओके 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 अगला हम वर्ड निकाल रहे हैं. ये नंबर वन है. कौन ये. ये कोई इनसाइड जोक था. ये क्या है. ये क्या है. ये क्या है. बोल. ढोलना ढोलना अखियां छुपा के सारी दुनिया पुला के तकी जा ढोलना. अच्छा? बेतकी जा ढोलना. जितनी खूबसूरती से ढोलना क्या कह रहे.
अच्छा जी, अब आपने गाना गाया, अच्छा क्योंकि हम सबने नहीं सुना था हाँ। और आपने ऐसा गाना हम सबको याद दिलाया हाँ। इसलिए मैं आपको 200 रुपए दूंगा। अरे भाई वाह वाह, देखो मिल गया ना, ये नाइंसाफी हो रही है। अच्छा जी, आखिरी बारी आ गई, आदमी बैठ जाए, मेरे गाने को भी तो दो। हमने गाने को इतना एंजॉय किया, मैं आपको देने लगा था लेकिन क्योंकि आपने मुझे मुंह मारी किया, मैंने उन्होंने तो नहीं किया, वो आंखों मारी कर रही थी। हाँ जी, आप लोग की आखिरी बारी है और वो है ज़ुल्फ। ज़ुल्फ 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 आ गए। हाँ जी ज़ुल्फ, ज़ुल्फों कर ले, ज़ुल्फों में की बात है, चलो ज़ुल्फ और ज़ुल्फ। काली काली ज़ुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, परेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्हीं को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्हीं को मुबारक, खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के, क्या बात है भाई, क्या बात है। आदि भाई अब सुन लीजिए जी चाचू, ये आखिरी दफा टीटी दे रहे हैं, इसके बाद काउंटिंग होगी और जितनी देर में आप काउंटिंग करेंगे आयशा हमें एक जबरदस्त सोलो सुनाएंगे। ये आखिरी, अच्छा आदि देखिए, इन्होंने आपका नेशनल एंथम गाया तो ये सोच के आपने ईदी दे, आपका तो है ये, आपने मेरी आंखें और वेस्टकोट के बटन खोल दिए और गाया भी। अच्छा आज ही एंजॉय किया ना गाना शुरू में हाँ, उसकी वजह ये थी कि वाहिद गाना जिसको आता था सर ये आपके 50 रुपए क्योंकि आपने मेरी आंखें खोली, आपके 50 रुपए क्योंकि जिसने मेरी आंखें खोली आप उसके साथ आई और आपका 200 रुपया इस गाने के ऊपर। बहुत सारी तालियां। अब आयशा हमें एक सोलो सुनाएंगी जबरदस्त सा जी, इसके दरमियान चाचू आप सबकी ईदी लेके घिनेंगे और फिर पता चलेगा कि रिजल्ट क्या होगा। वापस भी देंगे, गिन के वापस भी देंगे। हाँ जी आयशा प्लीज आप हमें सोलो सुनाइए। जो चुरा के मेरी आंखों से निंदिया ले गया था, दूर एक गांव है वहां ठंडी छाओ है, बहती नदिया है जाना है नदिया के पास, चाहता है वो भी मुझको बादल बताने लगा, कर मेरा इंतजार मेरा बिछड़ाया, मेरा बिछड़ाया।
बिछड़ाया। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार ईद विद आदि एंड फैजान, और अब हम मजीद मौका देंगे आपको ईदी कमाने का, और वो होगा कुछ यूं कि इसमें कुछ चिट्स मजीद मौजूद हैं जिसमें जो भी इस पे लिखा होगा आप एक्ट करके अपनी टीम को गेस करवाएंगे। और अब वो वाला चेंज हो नहीं सकती क्योंकि टीम बन चुकी है। टीम है, हां ठीक है जी, लेकिन मुझे लगता है यहां जरा ज्यादा इनका फायदा है क्योंकि दो एक्टर्स यहां बैठे हुए हैं। अच्छा, और आप आपके आपकी टीम में एक एक्टर है, भाभी की एक्टिंग स्किल्स का मुझे पता नहीं है, वो लड़का तो अभी 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 उठा है, वो क्या उठती एक्टिंग कैसे करेगा। और इस पे भी आप लोगों को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ईदी ही मिलेगी। अच्छा, कहते हैं पैसा जो है वो हाथों की मैल है, और इस वक्त मेरे हाथ बहुत गंदे। वो आदि यार अमेजिंग, थैंक यू, यू आर अमेजिंग, कसम से बहुत कमाल। अच्छा जी, पहली बारी इनपिन कीजिएगा प्लीज। इनपिन आपके आगे, डन, शॉर्ट एंड स्वीट। अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट सर जी, एक चिट निकाल लीजिए और एक्टिंग के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, मैंने करनी है बल्कि, हां अगर आप गेस अच्छा करते हैं तो आप किसी और से एक्टिंग करवा सकते हैं। अच्छा, दिखाना नहीं आपने उनको, ये अच्छा है क्या है ना, अगर आप गेस अच्छा करते हैं तो एक्टिंग किसी और से करवाएं। क्या ये फिल्म्स के नाम है या कुछ मुहावरे हैं? कुछ भी मुहावरे। अच्छा जी, रेडी, मैं कर रहा हूं जी, आगे खड़ो मैं, इधर आ जाओ, उन्होंने गेस करना है, हम में से कोई ना बोले। आपकी ब्लड प्रेशर की मेरी नहीं करता। हां जी सर, एक्टिंग थोड़ी सी उतर रही थी। ऑलराइट, तीन चार पांच छह, कोरोना चल रहा है, हालात ठीक नहीं है, कारोबार सिर्फ 50 रुपए। हाँ ना यार, बहुत 50 सेकंड में नहीं, हमने नहीं बोला जाता, दूसरे शो में भी यही पैसे चलाने को बचाने मुझे नहीं आई थी, आधी डिस्ट्रैक्टेड था, मेरा ध्यान गई और जी। बिल्कुल चीटिंग मत कराइएगा, बराबर में मोहसिन बैठे हुए, वेरी गुड, मोहसिन ने अपनी नजरें ही दूसरी तरफ कर ली। वाह, ये होता है ट्रू, ये मुहावरा है जी जी, ये मुहावरा हो गया और वाह हो गया। लो मेरे पार्टिसिपेंट को यही नहीं पता कि ये मुहावरा है, वो कह रहा है ना कि तो अभी ये मुहावरा नहीं, वो कह रहा है मुहावरा नहीं तो और वाह होगी, कोई मसला नहीं। हां, ये मुहावरा ही है, मुहावरा ही है, ये मुहावरा हुसैन वाली मुहावरा नहीं है, हुकैन। हां जी, ओके, पांच वर्ड्स, पहला, अरे वाह भाई, अच्छा, एक, दूसरा, दो, सिफर, सिफर, यहां नहीं बोलना हमने, दायरा, सुराख, सुराख, बिल्कुल, टनल, एक अनार दो स्वाभिमान, एक अनार स्वाभिमान, नहीं, टनल, अच्छी कोशिश थी, दिखावा थी, गोली, पोलो, गोला, गोला, दायरा, कोफ्ते, कोफ्ते, चमचम, नरगिस, ओके, हाँ, नहीं नहीं अभी टाइमर नहीं देता, अरे रुक जा, फिटे मुंह, दफा, मरसू, फिटे, बुरा, गंदा, गंदा, हाँ, गंदा, हाँ, पहला है, हाँ, पर अपना ही है, पहला है पर अपना, एक, ए, ओ, I know what this is, एक गंदा, भाई ये नहीं हो पा रहा है, चलो आदि टाइमर दो, 10 से छोटा, 3, 2, 1 यार देखिए मैंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, नहीं आपने भाई सिर्फ मुझे अंडा बनाना हूं, मैं बड़े आराम से अंडा बना रहा हूं, कैसे वन एग दैट इज डर्टी, एक अंडा वो भी गंदा। सुने मुझे बड़ी अंडा की तसल्ली हुई कि इनका जरिया मॉश ज्वेनन की एक्टिंग एबिलिटीज पे नहीं। मतलब अंडा आप तोड़ देते तो अंडा कैसे, अंडा बताने के 10,000 तरीके, बिल्कुल, मैं तो अंडा दे देता। हां, ये कैसे अंडा, कैसे सुना आपने, बड़ा अंडा भी बनाया, ये कौन सा अंडा है, ये अंडा, आई वांट टू नो ये कौन सा अंडा, वो कह रहा है रवीन साहब ने कौन सा अंडा सिखाया, भाई वो शुभर मुर्गा कह रहा है अगर मुझे गेस कराना तो मैं अंडा दे देता, इतना टाइम था, मैं तेरे सबके जा, बरेली की मुर्गी तो वैसे ही 15 मिनट में तैयार हो जाती है, कौन करेगा भाई, किसी और ने करना, जी जी ये आप ही करें, आप ही करें, आप ही करें, वेरी गुड, अरे यार नहीं आने का, अच्छा जी, वहां देखें हम जरा खड़े होके इस स्टेज वाले एक्टर्स, अच्छा उनकी तो इजी बनती नहीं है ना, वेरी गुड, ओके ओके, ओए होए होए होए, चार, दूसरा, नहीं नहीं यार मैं चाहता हूँ दूसरा ही करें आप। चार वर्ड, पंजे, हाँ, नोट,
खिसियानी बिल्ली खंबा। अरे वाह 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 वाह, सर क्या बात है, आता था सॉरी डिड आई सर, ये 100 रुपए आप मुझे दें, 150 ले लें यार। क्या बात है यार, क्या बात है, सही है भैया। सर मुझे लग रहा है आप लोग लेंथों से हारने वाले हैं। और आप उसको देखे चेक करें, वो खड़े होकर परफॉर्म करते हैं यार। वाह, आप लोग बैठे में चिल कर रहे हैं। ये लड़के वापस बैठ जा। अच्छा कुर्ता सही करके वापस बैठ जा। सुन लो, अब देख लो एक बार। हाँ यहाँ ठीक है, बाजू बाजू है, आस्तीन का सांप। अरे वाह, पैसे तो लेता जाऊं मैं भाईजान। चलो बैठो। आपका 200 बनता है, 200 ठीक है जी। अब दो ही बच्चे हैं हमारे, दो बच्चे हमारे पास, हालांकि बच्चे दो ही अच्छे। वेरी गुड, वाह वाह, कितना सहन मिलता है आप यार। मुझे अब फिक्र हो रही है अपनी कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, ये क्या बीमारी लेके जा रहा हूं मैं। अच्छा जी, अच्छा अब मैं आपको एक वो देता हूँ। नहीं नहीं, लालच के? अगर आपने किसी और प्लेयर से परफॉर्म कराया तो शायद आपको डबल ही। मैंने पढ़ लिया, लेकिन हाँ चलो मैं ये बता दूं, फिर मैं अल्फाज चेंज कर लगे। नहीं नहीं, मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। नहीं ये पैसे अगर आप ज्यादा ये चले, कौन परफॉर्म करेगा, कौन करेगा जी? भाभी आप करें, भाभी जो दूसरी पर्ची ऑडिशन होगी जी। हाँ जी चले जी, चार चार दो पीस। अच्छा दूसरा बच्चा, अंगूठी अंगूठी मंगनी मंगनी मंगनी। अरे बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, ठीक है चार, बहुत आसान, छठ मंगनी पट ब्याह। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, तो क्लीन बोल्ड कर दिया भाई। भाई आप लोगों को इस पे मिलता है, तो मिडिल विकेट उड़ गई यार। बोले 300 रुपए मैंने जिन्हें ले सा। वाह वाह वाह, थैंक यू मच चाचू, आप से रह क्यों गए, चाचू आप से रह क्यों गए, जोश में निकल आता थोड़ा सा। आगे आगे बताइए, आप बताइए अगर आप लोगों को ज्यादा ही चाहिए तो आप आयशा से परफॉर्म करवा सकते हैं। ना कर रही मैं कम में गुजारा कर रहा हूँ। मोहसिन को सबसे कम, आपको उससे थोड़ी ज्यादा, उनमें बहुत ज्यादा ईदी है। ऐसा कर ले परफॉर्म, क्या हुआ, बहुत ज्यादा आदि बता देंगे आपको पढ़ के, मैं पढ़ के बता दूंगा। बहुत शुक्रिया मोहसिन। अच्छा आयशा को मैं उर्दू पढ़ के बता दूंगा, ठीक है? तो आप लोग रेडी है? आयशा काम है, आज आप डिस्ट्रैक्ट करो, आवाज ही निकालो उनका, आवाज ना। मुझे पता है ये लंबा होना है, काफी मैच्योर लगे आप। अच्छा भाई एक मिनट, परफॉर्मेंस शुरू हो गई, ओके एक मिनट, उनकी बार नहीं करते, हमारी बार भी नहीं करो यार, ये नहीं करो। पांच वर्ड्स पहला, नाच ना जाने आंगन टे। अरे 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 वाह वाह, सब ले लो, मैं चाहता हूँ पूरा पाकिस्तान मिलके मेजा गिने। 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। अच्छा जी अब आप लोग काम करें, जल्दी जल्दी अपनी अपनी ईदिया गिनिए। नहीं 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 नहीं, गिनूंगा मैं। अच्छा यस, नहीं नहीं भरोसा यार, मैं सस्पेंस दूंगा ना आप लोगों को, लाइए पैसे दीजिए। अरसलान हमें एक जबरदस्त सा गाना सुनाएंगे, अरसलान आप हमें जल्दी से होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर
चेहरे हजार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया सपना देखा जो तुमने वो मेरा हो गया डूबे तो यूं जैसे आया होना था प्यार हुआ मेरे सवालों में ख्वाबों की डोर टूटे ना यार होना था प्यार हुआ मेरे यार होना था प्यार ओ हो मजेदार ईद विद आदि एंड फैजान और अब वक्त हुआ है जी आदि भाई हमें डिसीजन सुनाएंगे किसने ईदी जीती है ज्यादा क्या आप लोग तैयार हैं जी हम तो बहुत तैयार हैं भाई तैयार हैं अच्छा अब वक्त आ गया है जिंदगियां बदलने का वाह वाह एक टीम यहां से हार के जाएगी ओए होए होए और एक टीम यहां से गुल खिलाते भी जाएगी खिलाते भी वाह वाह गुल क्या होता है वैसे गुल हमारे वहां जो काम करता है तो अब मैं आपके सामने रिजल्ट पेश करूंगा आने वाली टीम को कोई सजा वगैरह देंगे सर बिल्कुल ओहो वाकई तो टीम ए जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बड़ा अच्छा गेस किया और बहुत मेहनत की टीम बी आपने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बड़ा अच्छा गेस सर ये ईद शो चल रहा है कोई और निकल गए नाजरीन आपको बताते चले एक टीम के 1450 है और एक टीम के 1750 अब मैं खड़ा होकर आपको बताऊंगा वो कौन सी टीम है जिसके 1750 सीढ़ी चल रहा है क्या आप तैयार हैं ठीक है क्या आप तैयार हैं नीचे से क्या आप तैयार हैं ये क्या है ये जोश जा रहा है अच्छा फिर से फिर जोश खराब कर दिया अच्छा सॉरी सॉरी फिर से तैयार है ये इससे क्या होगा क्या इससे जोश चढ़ेगा ना अच्छा जोश चढ़ेगा मुझे लग रहा है दोज़ख की आग चल रही वो तो मेरे अंदर बहुत है चले दोबारा जोश 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 तो क्या एक सेकंड पहले वाला ज्यादा पहले वाला जोश ज्यादा अच्छा था आपका जोश कम हो रहा है जोश के साथ लेग स्पेस भी इंक्रीज हो गई वो कह रहे हैं आप लोग तैयार हैं क्या आप लोग तैयार हैं आदि 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 ये लग रहा है सुल्तान राय की तरह लड़ने लगे हो वो पहले वाला बहुत अच्छा किया था आप आगे आ जाएं यहाँ आगे से आप आगे से एक दफा और दूसरे नोट भी दे दिया ये नहीं मैं टेबल के ऊपर चढ़ाता नहीं मैं ये भूल गया वो किसका कौन सा क्या जवाब याद है ना
क्या एक सेकंड ये लगा तो पंचर बना रहा है ये स्वैग है ये स्वैग है ये लगा तो पंचर बना रहा है स्पाइडरमैन बड़ी स्ट्रगल किया यहां तक पहुंचने में वहां बैठा हुआ था मैं अच्छा मैं नीचे पहुंच गया अच्छा तो एक सेकंड ए बात सुन क्या ये उल्टा नहीं हो सकता ऊपर से नीचे की तरफ अबे नहीं पा रहा ऐसे चढ़ेगा नीचे से ऊपर आएगा पारा चलो चलो क्लाइंट बहुत परेशान करते हैं यार तो पारा बने हो ओए होए होए ओ जल्दी उठ जाओ यार उठना भी है तैयार है वैसे ही वॉशिंग में है देख के क्या आप लोग तैयार है आज जो टीम जीती है उसका नाम है टीम बे चाचू बस तारी कैफियत में जा चुके हैं चाचू बस चाचू पैसे देने सर थैंक यू थैंक यू टीवी वन का दिल छोटा नहीं है फैजान जो टीम हारी हम पैसे उनको भी देंगे हमें रखा हुआ वाह 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 लेकिन टीवी वन का दिल वाकई छोटा नहीं हमें रखा हुआ बड़ी बात है सजा सजा की बात कर रहे थे करो कम से कम सजा की बात एक छोटी सी सजा है और वो है आपको एक हमें बहुत खूबसूरत सा गाना ले ये तो ये सजा तो मैं कहता हूँ बार बार दें आप ये खूबसूरत सजा अगर प्यार एक सजा है तो मुझे बार बार दो ये क्या है महावरा 1.5 लाख दफा ब्लॉक हो चुका है तू सॉरी मैं आप हमारे लाहौर के अर्तुगरुल परेशान हो गए हाँ सर पकड़ के बैठ गए मैं क्या हमारे लाहौर के अर्तुगरुल परेशान हो गए ये क्या हो रहा है नहीं नहीं मोहसिन भाई एक भाई ये सजा आप हमें दे दे प्लीज अच्छा चेक चेक जब मैं मिलेगा चेक भी मिलेगा भाई जब आप नहीं वो कैश की बात हुई थी जब आपने मुझे लव दिया था ढोलना हाँ तो तब इतना शोर था कि मैं वो गाना भूल गया जो कि मेरा पसंदीदा तरीन गाना और उसमें लफ्ज ढोलना था तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं वो सर प्लीज मैंने दी हाज भी से हंसना ढोलना ओए निकी में हाज से हंसना नहीं है वो ओए निकी कितनी होएगी ये सर गाना तो सही गा वो बनने दी मौज है ये निकी नहीं हो सकती ढोलना तो है ना उसमें ये निकी नहीं है भाई बहुत बड़ी है निकी नहीं है यार आप लोग लिरिक्स को ना छेड़े अच्छा जानिया हानिया जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना ओ तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना पुछ काले बदला तो सीने बिच अग ला के लंघ गईयां कई बरसातां है पुछ काले बदला तो सीने बिच अग ला के लंघ गईयां कई बरसातां तुर गयो सजना नींद राखो के जाग के कटियां रातां आ भी जाना सता वास्ता प्यार दा तरस नैणा ते कर मेहरबानियां तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना ओ तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना जानियां हानियां तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना ओ तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है
है तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार ईद विद आदि एंड फैजान। और हम अब वक्त हुआ है जी तमाम गेस्ट का शुक्रिया अदा करने का जिन्होंने वक्त निकाल के हमारे पास आए ईद वाले दिन और हमें इतना सारा टाइम दिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बल्कि आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग तो सब बाकायदा हमारे बुलाने पर आए हैं। मैं चाहता हूँ अगर जाने से पहले कोई मैसेज आप देना चाहें आपके बहुत सारे चाहने वालों को ईद के हवाले से, रमज़ान के हवाले से, या फिर वैसे ही मेरी नज़दीक से बुनियादी चीज़ होगी एंड अगेन थैंक्स टू यू टू, इट्स बीन सो लवली राजू, आई मीन होस्टेस, मज़ेदार यार आदि, बहुत प्यारे हो यार, संभाल के रखना जी। मेरा पैगाम सिर्फ ये है कि नफरत बहुत ज़्यादा हो गई है, हर लेवल पर हो गई है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मोहब्बत फैलाएं बस करें, प्यार दियाँ गल्ला करो जी, प्यार दिया, वाह जी वाह, प्यार दियाँ गल्ला। मुझे तो लाइव बोलने की आदत नहीं है बाप, पुट मी ऑन द स्पॉट। आई थिंक ईद के हिसाब से इफ़ आई हैव टू से तो रमज़ान के एसेंस को याद रखें, रमज़ान का मतलब क्या है, क्यों हम रमज़ान को इस तरह मनाते हैं जिस तरह मनाते हैं, सिखाता है रमज़ान जो सिखाता है, सब्र सिखाता है, एक दूसरे की मदद सिखाता है, एहसास सिखाता है, नीयत को साफ रखना सिखाता है, तो कोई नहीं भी देख रहा तो ठीक काम करें। आप लाइव बोला करें, आप बहुत अच्छा बोलती हैं जी मोहसिन। मैंने एक जगह पढ़ा था कि आपकी असल इबादत तब शुरू होती है जब आप जाए नमाज से उठ जाते हैं, तो जैसे भाभी ने फरमाया कि रमज़ान ख़त्म हुआ है अभी सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसने जो हमें सिखाया वो भी भूल जाएं और उस आदत को बनाए रखें, शायद ये 30 दिन की आदत इतनी पुख्ता हो जाए कि हम यू नो उसको आगे वाली ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आई वुड लव टू सी कि हम सब लोग यू नो और SOPs को फॉलो कर लें यार खुदा के लिए। बिल्कुल 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 जी अमर। आई थिंक सबसे जो एक रिस्पॉन्सिबल बात है वो करना भी ज़रूरी है कि बेशक हमने पूरा रमज़ान गुजार दिया, ईद में भी मिलजुल रहे हैं, लेकिन हमारी कौम थोड़ी सी कुछ चीज़ों को लेकर लीचड़ हो जाती है। तो कोरोना है अभी भी जी, मुझे दो बार हुआ है, तो ये इट्स समथिंग वेरी सीरियस। आप सेलिब्रेट भी करें, रमज़ान में भी हम सब ने अफ्तारियाँ वो सब की, घुले मिले, लेकिन अभी भी वी हैव टू फाइट विद कोरोना, सो प्लीज वेयर योर मास्क। हम एक्टर्स हैं, आप लोग कहते हैं आप लोगों ने क्यों नहीं पहना, क्योंकि हम आपको अपना चेहरा दिखाते हैं तो आप एंटरटेन होते हैं, हमारी मजबूरी है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ होगा हम सब भी अपने मास्क पहनेंगे, तो प्लीज आप भी खुदा के लिए अभी भी मास्क पहनिए और ख्याल। Well done, जी आदि आपका कोई मेरा मैसेज जो है वो हमारी नई जनरेशन के लिए। मेरा थोड़ा स्लो मो डाल दिया ना वैसे। ओके तो मेरा मैसेज ये देखे, मुझे आप सबका तो नहीं पता लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं टिकटॉक पे आना चाहता हूँ। वो तो मेरी अम्मी का ख्वाब है वो कि मैं टिकटॉक पे। नहीं मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी हम इस 1.5 घंटे के शो में हम साथ मिलके बैठे, हमने बातें की, हमने हंसी मजाक किया, हमने गेम खेला, मुझे आप सबको उम्मीद है लेकिन मुझे बहुत मजा आया। तो अगर हमारी नई जनरेशन अपने आईपैड्स, टैबलेट्स और फोन छोड़ देगी और घर वालों के साथ बैठेगी तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके उस पैड से ज्यादा मजा आपको और आपसे मुलाकात होगी ईद डे 2 पर। और हम अपने तमाम मेहमान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, थैंक यू सो मच आदि हमारे साथ। ये होता है जी, ये होता है, वेल डन मोहसिन, वेल डन। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी आयशा की भी, आयशा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपने बहुत अच्छा गाया और उम्मीद करते हैं कि आप अगले शोज में भी हमारे साथ होंगी। थैंक यू अरसलान, मैं उम्मीद करता हूँ अगले शोज में आप खुद ही पहले से उठे हुए होंगे और 5वें 6वें सेगमेंट में आपको याद नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले जी हम एक जबरदस्त ट्रिब्यूट पेश करने वाले हैं हमारे लेजेंड्स को। हमारे पास एक ग्रुप मौजूद है हारून का, जो कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने शुरू में भी दी थी, वो हमें फिर से एक और जबरदस्त लेजेंड्स को जो है वो ट्रिब्यूट देंगे यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत मजा आया होगा, इसी तरह अपनी ईद मनाते रहिए, अपने आसपास ख्याल रखिए और आपसे मुलाकात होगी जल्द। आप देख रहे थे मजेदार ईद विद आदि फैजान एंड मोहसिन। स्टॉप, एक मिनट।
ख्यालों में मेरे ख्यालों पे छाई है बिक्कू रकमत वाली थी, नाजुक थी शर्मीली थी, माँ तो